पीपी जी, रानो बिटिया को बहुत बुरी नजर लगी है। पुष्पा, ओए उधर किधर जा रहा है? हैं? बड़ी बातें पड़काता है तू, सिखाता है उसको कि रानो को नजर लगी है? क्या क्या सिखाता है उसे? हैं? नहीं नहीं बेबे, मैंने कुछ नहीं सिखाया। तेरी जितनी लंबी जुबान है ना, उतने बड़े बड़े मेरे कान हैं। अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की ना, तो इस घर से ना उठा के बाहर फेंक दूंगी, नजर नहीं आएगा इस घर के अंदर। चल भाग यहाँ से। सॉरी बेबे। लो जी खाओ पकोड़े। पता है आप सबको, ये पकोड़े ना मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। वाह भाभी, मजा आ गया। यहाँ इतना खा लिया, पार्टी में क्या खाएंगे? चुप कर, झूठे कहेंगे। मेरे घर पर भी तो यही बोलकर आए हैं। झूठा। नहीं भाभी, सच्ची बड़े स्वाद बनाए आपने पकोड़े, मेरे को भी सिखा देना। ओए हैंडसम। हाँ जी। अपना फ्रेंड ग्रुप नहीं बता। ओ अमरदीप जी। अच्छा जी। मैं दस दिया, तरुण दीप। लो वे मित्रों, आ गया अपना पार्टी का हीरो। आजा आजा बैठ। ओए ये क्या, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? पार्टी में नहीं चलना, उठ जाके जल्दी तैयार हो, उठ। तुम लोग जाओ यार, रानू की तबीयत ठीक नहीं है और उसके बिना मैं जाऊंगा नहीं। हाय भाई ग्रुप, क्या हो गया अनु? पता नहीं यार, कल रात से बुखार हो रखा है उसे। बुखार? तेरी पार्टी की खुशी में ना ठीक हो जाएगी वो। चल उठ जल्दी कर, नाटक नहीं कर। और वैसे ही वहां पर मिक्की आने वाला है, जलाना है ना उसे। चल। अरे मिक्की थोड़ी ना आएगा पार्टी में। क्यों नहीं आएगा? वो ना दुनिया का सबसे बड़ा वाला भुक्कड़ है, फ्री का खाना खाने के लिए ना वो कहीं पे भी आएगा। सॉरी यार, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। एक मिनट,
5 मिनट वेट करो, जीत तैयार होके आ रहा है। अच्छा, तुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है? हाँ, तो तू लड़की थोड़ी ना है, 5 मिनट से ज्यादा थोड़ी ना लगेंगे। रानो, मैं नहीं जा रहा हूँ। तुझे पता है ना कि अगर तू नहीं गया तो क्रांति सर को कितना बुरा लगेगा? तुझे भी तो पता है कि अगर उन्होंने तुझे मेरे साथ नहीं देखा तब भी उन्हें बुरा लगेगा। क्रांति सर से मैं फोन पे बात कर लूंगी। और कुछ? यार तू समझती क्यों नहीं है, अगर तू नहीं गई तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तू क्या पार्टी में मुझे खाने वाला है जो तू भूखा रह जाएगा? तुझे क्यों खाऊंगा, पर मेरी प्लेट तो तू ही बना के लाएगी ना खाने की। अच्छा, तो अपनी वेट्रेस बना के लेके जाएगा? ऑफ कोर्स, नहीं तो क्या, ब्यूटी क्वीन बन के चलेगी। और नहीं तो क्या, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी प्लेट लगाने का। और मेरा भी दिल नहीं है तेरे बिना जाने का। मेरे बिना सचमुच नहीं जाएगा? तो ठीक है, मैं अंकल जी को बता देती हूँ कि तू बीमारी की हालत में मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहता है। अंकल जी, ओए, रुक, चुप। वो तू बात बात पे अंकल जी की धमकी क्या देती है? यार मैं कह रहा हूँ तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और मैं बोल रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी, पर तू जरूर जाएगा। नहीं तो एक और प्लान है अंकल। चुप कर जा मेरी माँ, जाऊंगा जाऊंगा। यार मैं तैयार होके आता हूँ। सुन, क्या बात है जी, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। नहीं, ओ वैसे ही बस, कुछ नहीं। सुनो जी, बेबे ने जीत और रानो के बारे में कुछ कहा? जीत और रानो? नहीं जी। नहीं मतलब जीत और रानो की शादी के बारे में। अच्छा, तो बेबे चाहती है कि दोनों की शादी एक ही दिन हो, फिर तो जीत के लिए भी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अरे बेबे के कहने का मतलब है कि जीत की शादी रानो से कर दी जाए। क्या? जीत और रानो की शादी? इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती जी। वैसे भी रानो इस घर की बेटी जैसी है, घर की बहू बन जाएगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। पर मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं। क्या तय नहीं कर पा रहे आप? वो दोनों बचपन के साथी हैं, अब जीवन साथी बन जाएंगे, भला इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आपको पता है जी, मैं हमेशा सोचती थी कि अपनी रानो जिस घर में भी जाएगी ना, वो घर कितना खुशनसीब होगा। पर ये कभी सोचा ही नहीं कि वो घर हमारा भी हो सकता है। इतनी अच्छी, इतनी समझदार, इतनी प्यारी लड़की है, फिर क्यों आप इन दोनों को लेकर इतना सोच रहे हैं? अरे तो मैं भी जानता हूं पुष्पा, रानो संस्कारी सुशील है, उससे अच्छी बहू इस घर को मिल ही नहीं सकती। लेकिन प्रॉब्लम रानो नहीं है पुष्पा। प्रॉब्लम है जीत, उसका क्या करूं मैं? इतना बड़ा हो गया, काम कुछ करता नहीं है, दिन भर खेलता कूदता रहता है। जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ना तो इस बात की समझ है उसे और ना ही उन जिम्मेदारियों को निभाने की काबिलियत। कैसे संभालेगा वो रानो को? पुष्पा, रानो अगर मेरी अपनी बेटी होती ना तो भी मैं उसकी शादी जीत जैसे लड़के से तो नहीं करता। फिर वो तो मेरे दोस्त की बेटी है, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
मैं उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं कर सकता, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि जो भी फैसला लूं सबके लिए सही हो। हो गया तेरा मेकअप शेकअप? अरे वाह क्या बात है, बड़ा हैंडसम लग रहा है। वो तो मैं हमेशा से हूँ। पता है आज तो तू छा जाएगा। गेस्ट ऑफ ऑनर जो है भाई। क्या गेस्ट ऑफ ऑनर यार, तेरे बिना जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पर अब तू मिस्टर सलूजा की धमकी देगी तो जाना तो पड़ेगा ही ना। चल अब जल्दी से झप्पी दे। सुन मेरा तो वहां मन लगेगा नहीं, पर तू अपना ध्यान रखना, एक प्रॉपर रेस्ट, समझ गई? चल बाय। मैं होके आता हूं मां, इस पागल का ध्यान रखना। बाय। अरे आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन बड़ी, मजा आ गया यार। मिक्की को हरा के हमारा दिल खुश कर दिया यार। ये हीरो तो आ ही नहीं रहा था, खींच कर लाए हम सभी से। जब मिक्की आ सकता है तो तू क्यों नहीं यार? मिक्की आ गया। ओ वेखो स्यापा, हारने के बाद भी आ गया। ऐसा नहीं है यार, खेल अपनी जगह है और पार्टी अपनी जगह है। हाय मिक्की। Good to see you, यार। That's the spirit. कैसा है? हारने के बाद तू कैसा होता? बस वैसा ही हूँ। Come on यार मिक्की, ये हार जीत तो सिर्फ बॉक्सिंग रिंग तक ही थी, वरना हम दोनों कोई दुश्मन थोड़ी एक दूसरे के। दोस्त भी तो नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बहुत खुश हूं कि हमारी एकेडमी से स्टेट लेवल के लिए बहुत फेयर कंपटीशन हुआ और फेयर सिलेक्शन हुआ। इस मौके पर मैं अपने जीत के जीत की कामयाबी का राज बताना चाहता हूं, और वो राज है इसकी मेहनत, इसकी कमिटमेंट और इसका हौसला, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसकी फ्रेंड रानो, जो इसको हर रोज सुबह उठाती है, इसको प्रैक्टिस सेशन तक पहुंचाती है और इसे इंस्पायर करती है। लेकिन आज ये उसको अपने साथ यहां नहीं लाया। नो एक्सक्यूज माय बॉय, नो एक्सक्यूज। रानो को यहां ना लाने की सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन उससे पहले
3 cheers for your victory. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Now everybody, enjoy yourself. Khao piyo aur maut karo. Jeet, Mickey ki baat ka bura mat manna yaar. You know na, he's a bad loser. I know yaar. Harna to किसी को भी अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे हार से कोई प्रॉब्लम नहीं है बस क्या है कि जब तुझसे आता हूं ना यहां बड़ी तकलीफ होती है वो तो होगी यार एक एथलीट को हार से तकलीफ होनी चाहिए लेकिन सिर्फ फाइट तक फाइट के बाद रिजल्ट जो भी हो उसे एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता यार या राइट एनीवेज आई एम सॉरी बडी Excuse me. अब भाई यहाँ तो इसी से काम चलाना पड़ेगा क्या करें क्रांति सर की पार्टी जो है हाल फिलहाल सॉफ्ट ड्रिंक से ही काम चला दें मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक ही ठीक है मैं वैसे भी ड्रिंक नहीं करता Cheers for the victory. Let's have bottoms up. What say guys? Yay! आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या गुटर गुटर कर रहे हो भाई खाओ पियो मौज उड़ाओ मस्ती करो नाचो गाओ अरे कुछ तो पता चले पार्टी रखी है भाई चलो 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 जीत हाँ मिकी सूफिया चलो भाई आओ सब जन चलो 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 आ जाओ चल पुत्र अब नाच चल चल उधर शुरू सर मुझे कहाँ अकेले फंसा रहे हो रानो को साथ ना लेके आने की यही तो सजा है बच्चे नाच अब नाच चल 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 चल, चल. रानो तेरे चक्कर में आज अकेला ही फंस गया हूं जीत
कहाँ चला गया ये? क्या हुआ? सेट हो गया भाई। You sure? Yes. Good. चले यहाँ से। चल। जीत? ओए जीत। ओए। क्या हुआ तुझे? जीत? ओए होश कर। होश कर होश। क्रांति सर। हाँ हाँ क्रांति सर, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? अरे सर। संभल के। नशे के इंजेक्शन? वो तूने ये ड्रग ले रखा है? सर ये मेरा नहीं है। तेरा नहीं है तो फिर तेरे पास आया कैसे? मुझे कुछ नहीं पता सर। ठीक से तो खड़ा नहीं हो सकता, ठीक से तो बोल नहीं पा रहा, और तू कह रहा है मुझे नहीं पता सर। यकीन नहीं हो रहा कि ये तू है इस हालत में। अगर एकेडमी के सारे लड़के आकर मुझे बोले कि तू ड्रग लेता है तो मैं बिल्कुल यकीन न करूं, लेकिन अरे कुछ नहीं किया सर। चल चल यहां से। सर मेरी बात वाली है सर, पहले ड्रग्स नहीं लिए सर। जीत जीत क्या हुआ तुझे? सर सर क्या हुआ सर जीत को? क्या बताऊं, मेरी आंखों ने जो देखा है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। कोई मान सकता है कि यह नशे की हालत में गिरा हुआ था, और वो भी ड्रग्स के साथ? जीत तू तू ड्रग्स लेता है? Shut up, you just... जी तू बस चला जा। सर आपको पता है जीत कभी ऐसा नहीं कर सकता, आप तो उसको बहुत टाइम से जानते हो। मानता तो मैं भी ऐसा ही था, बल्कि मुझे तो बहुत भरोसा था कि ये क्रांति सिंह एकेडमी का नाम रोशन करेगा, लेकिन इसने इसने तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। सर मेरी बात मानी है ये, मैं तेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तू बस यहां से चला जा, चला जा, ले जाओ इसे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.